नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहुणं। हम लोग 12 भावनाओं के स्वाध्याय में आशरण भावना के बारे में पढ़ रहे थे। आज आशरण भावना के शेष भाग को हम सुनेंगे। आपके आसपास घूमने वाले जिनको आप शरण मान रहे हैं कि ये हमारा संरक्षण करेंगे, वह ऐसा नहीं है। वह कहाँ तक आपका साथ दे सकते हैं, क्योंकि औरों के साथ तो निस्वार्थ व्यक्ति थे, आपके साथ तो सब स्वार्थी हैं। आपके परिवार में जो घूम रहा है, आपके साथ जो बैठा हुआ है, आपके साथ जो उठ रहा है, वह अपनी दृष्टि में स्वार्थ लेकर चल रहा है और उसका ये निर्णय है कि जब तक हमारे स्वार्थ की पूर्ति होगी तब तक उसका साथ है और स्वार्थ की पूर्ति नहीं तो इसका कोई साथ नहीं। हे भगवान आत्माओं, उस परम पिता परमात्मा को पाना है तो इस भ्रांति को हमें मिटाना होगा और अच्छी तरह से इस भ्रांति को मिटाना होगा कि कोई भी इस जगत में हमारी शरण नहीं है। पढ़ते भी तो हैं, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखनहार। करिए चिंतन, वो यह कह रहे हैं कि सौधर्म इंद्र जैसा पुण्यशाली जीव कितने तीर्थंकर होते हैं कोई गिनती नहीं, और एक सौधर्म इंद्र के काल में असंख्यात तीर्थंकर हो जाते हैं, लगभग एक सागर की आयु है उसकी। और यहाँ विदेश क्षेत्र की उत्कृष्ट आयु भी देख लो तो एक पूर्व कोटि की, उसमें भी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, उसमें भी 9 महीने कम करनी पड़ेगी तो पहले, क्योंकि वह गर्भावस्था में बिताई। इतने जीव मोक्ष चले जाते हैं कि गिनती नहीं है उसकी। और उसकी पटरानी जो शची होती है, वह 40 नील शचियाँ उसके एक सौधर्म इंद्र के काल में वहाँ से आकर यहाँ जन्म लेकर मोक्ष चली जाती हैं। 40 नील इतनी बड़ी आयु वाला होने के बाद भी उसका कौन संरक्षक हुआ? जो साक्षात तीर्थंकर के चरणों में पड़ा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, गिनती नहीं तीर्थंकरों की। हम तो जिन बिंब के सामने जाते हैं, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा बैठे हैं, साक्षात गर्धर वहाँ पर बैठे हैं, साक्षात केवली, श्रुत केवली आदि मुनिराज वहाँ पर विराजमान है, उस सौधर्मेंद्र को भी मनना पड़ता है। जब काल आता है उसकी गद्दी छूट जाती है, वह अपने आप ही वहाँ से कपूर की भांति विलुप्त हो जाता है और उसे कोई देवता बचाने वाला नहीं होता है, तो वो भी हाथ जोड़ लेगा। काल आएगा और कहेगा कि तुम्हें तो अब जाना ही पड़ेगा। इसलिए कभी कह रहा है, दलवल देवी देवता मात पिता परिवार, देखना एक व्यक्ति मेरे पास आए और बोले, महाराज आप तो बड़े बेकार आदमी रहे। मैंने कहा कि तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ा कि मैं बेकार रहा कि अच्छा रहा? तुम्हें मेरा जीवन पता है कि कैसा था पूर्व का? बोले, नहीं, वो तो हमने अंदाज लगा लिया, जब आप अपने माता पिता को छोड़ के आ गए तो आपसे बेकार तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में संसार बसा हुआ है इसलिए ऐसा चिंतन है, अगर दृष्टि में अध्यात्म आ जाता तो ये भ्रांति टूट जाती तो तुम्हारा चिंतन ऐसा नहीं होता, वहाँ पर चिंतन बदल जाता और कहता कि तुमने सही काम किया है, क्योंकि जो शरण है ही नहीं उनकी शरण में रहकर मूर्ख बनना ही क्यों? जो हमें स्थायी आलंबन दे ही नहीं सकते उनकी शरण में हम क्यों रह रहे, उनको शरण हम क्यों माने, और जो हमारा अधिकार नहीं है उस पर हम अपना अधिकार क्यों जमाएं, और जिस चीज़ पर हमारा अधिकार है हम उस पर अधिकार जमाएं। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर ग्रस्त जीवन स्वीकार कर लिया है तो माता पिता की सेवा करना तुम्हारा दायित्व है। दृष्टि में सत्य आ गया है, दृष्टि में चिंतन बस गया है, आश्रण अनुप्रेक्षा का गहराई में चिंतन उतर गया है तो उनकी सेवा करना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भ्रांति टूट गई है। जहाँ पर भ्रांति टूट जाती है वहाँ पर इन बातों का कोई महत्व नहीं ठहरता। त्रिशला ने महावीर का हाथ पकड़ लिया और एक दृष्टि उसकी आंखों पर डालकर बोली, सोच कि तू किसको छोड़कर जा रहा है, जिसने तेरे लिए 9 माह पेट में रखा, परवरिश करके इतना बड़ा कर दिया, आज तू उसे छोड़कर जा रहा है,
तुझे आंसू दिखाई नहीं देते? अभी तक तो ऐसा था कि मुझे थोड़ा भी कष्ट होता था और तुम्हारा हृदय कांप जाता था। आज मेरी आंखों से आंसू अविरल बह रहे हैं, धारा लगी हुई है, तुझे रहम नहीं आ रहा है, तू भागा चला जा रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि माँ, आज भ्रांति टूट गई और समझ में आ गया कि कोई शरण नहीं है संसार में। आप इन आंसुओं की बात कर रही हो तो उसी का उपाय तो करने जा रहे हैं कि फिर ऐसा भाव ना आए कि किसी माँ को पुनः रुलाना पड़ जाए, उसी की व्यवस्था करने तो जा रहा हूँ। मैंने अब निर्णय कर लिया है कि अब ऐसा भाव ही नहीं पाऊँगा, जन्म ही नहीं पाऊँगा तो किसी माँ को नहीं रुला पाऊँगा। मैं तो इसी भ्रांति में रहा, मैं भी पूर्व भाव में रोया, जितने को मैंने माँ बनाया वो भी भ्रांति में बहुत रोई, दोनों भ्रांति में रहे, दोनों रोते रहे, दोनों आंसू बहाते रहे, और अब मैं ऐसे उपाय पर जा रहा हूँ कि ये भ्रांति ही टूट जाए और मैं किसी माँ का दामन ना थामूँ, ना कोई माँ मेरी उंगली थामे। जब ऐसा होगा तो बेटे को रोना ना पड़ेगा, ना माँ को रोना पड़ेगा, बस स्थायी उपाय करने जा रहा हूँ। ये है अशरण भावना का चिंतन, और ये जहाँ भी प्राप्त हो जाता है, जिसको भी प्राप्त हो जाता है, उसकी यही भावना बनती है कि फिर माँ भी उसे काल दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे क्या कह रहे हैं महाराज आप? हाँ, जिसकी दृष्टि में वैराग्य समाहित हो गया है, जिसने अपनी चेतना के उत्थान का निर्णय कर लिया है, ऐसे जीव के लिए माँ भी काल दिखती है, क्योंकि उसके आगे मोह खड़ा हुआ उसे दिखाई नहीं देता है। उसके आगे सबसे बड़ा हमारा शत्रु जो है हमारी चेतना का घात करने वाला है, उसे जो पतन को ले जाने वाला है, जो संसार में रुलाने वाला है, उस माँ के आगे वह मोह खड़ा हुआ नजर आता है। फिर वह माँ की बाहें नहीं होती, वह एक जकड़न होती है जो नरक और निर्गोद का रास्ता दिखाती है, और फिर माँ की उंगली नहीं होती, वह एक ऐसा मार्ग देने वाली सिद्ध हो जाती है जो वास्तविकता में कष्ट और पीड़ा के बीच में पहुँचाएगी। वहाँ पर अशरण भावना वाले को ये चिंतन जागृत होता है कि जो काल खड़ा हुआ है, मोह रूपी काल इसमें बसा हुआ है, जब तक ये बसा रहेगा तब तक मैं अपना कल्याण नहीं कर पाऊँगा और ना ही माँ अपना कल्याण कर पाएगी, दोनों जकड़े रहेंगे, दोनों ही दुर्गतियों को प्राप्त हो जाएंगे। और जब अशरण भावना का चिंतन प्रारंभ हो जाता है तो ये भ्रांतियाँ टूट जाती हैं। ये सारी की सारी भ्रांतियाँ, जो वह क्या माता पिता परिवार से भ्रांति, ये सब टूट जाता है कि माता पिता ये परिवार मेरा है। अभी आपसे कोई कहे कि आपका नहीं है तो आप क्या कहोगे कि ये मेरा है, वहाँ क्या पढ़ते हो? कमला चलत न पैड़ जाए मर घट तक परिवार, वह दहलीज तक पत्नी छोड़ देती है और मरघट तक परिवार के लोग छोड़ देते हैं, इसके आगे कोई जाने वाला नहीं है और इससे आगे ले जाने वाले कोई भी नहीं है। इस शरीर को आग लगा दी जाती है, इसको घास की भांति जलाकर राख कर दिया जाता है, और हम इस शरीर के माध्यम से दूसरों को शरण स्वीकार करते हैं, दूसरों की शरण में जा रहे हैं कि ये हमारी शरण है। हे आत्माओं, अब थोड़ा भी कुछ होता है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वैद्य के पास आप भागते हैं, क्या कहते हो कि डॉक्टर साहब बचा लो मुझे? वह गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, भगवान है जो आपको बचा लेगा। और क्या भगवान होता तो बचा लेता? किस किस को बचा पाए उसके अस्पताल का, उसका रिकॉर्ड देखिए, उसका रजिस्टर उठाकर तो देख लो, उसने आखिर किस किस को बचा लिया? और उसका इतिहास उठाकर देखोगे कि अस्पताल से कोई ऐसा व्यक्ति है जो 200 वर्ष का होकर गया हो, या 500 वर्ष का हो गया हो, या मरा ना हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी फाइल में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचम काल है। इस पंचम काल में उत्कृष्ट आयु है 120 वर्ष की, उससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं हो सकती, कोई कुछ भी कहता रहे कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इतनी आयु अगर उसकी लेकर आया है तो तीव्र पाप का उदय नहीं आया है तो कोई मान नहीं सकता, और तीव्र पाप का उदय आया है तो आयु का क्षय हो गया है तो उसे कोई बचा नहीं सकता। और कैसे गिड़गिड़ाते हैं डॉक्टर के सामने? ऐसे भगवान के सामने गिड़गिड़ाए होते कि भगवान मर तो रहे हैं लेकिन एक इच्छा है कि आपके नाम के साथ मृत्यु के मुँह में जाएं, जो आपने संकेत दिए हैं, जो आपने उपदेश दिए हैं, जो आपके सूत्र हैं वह हृदय में बसे रहें, उन सूत्रों का चिंतन करते हुए प्राण निकले शरीर से। इस शरीर को जब हम छोड़ेंगे तो आप ही शरण हो, किसी और की शरण ना हो, यदि ऐसी भावना उत्पन्न हुई, नहीं हुई, ना ही अस्पताल, ना ही डॉक्टर, ना ही वैद्य, कोई कुछ नहीं कर सकता।
आप मरते जाओगे, वह इंजेक्शन डालता जाएगा, दवाइयाँ डालता जाएगा और अपना बिल पूरा कर लेगा। मशीन पर और धर देगा कि जितना कष्ट और नहीं होता उतना और होगा। ऐसी कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके, तुम्हें शरण दे सके। कहा भी गया है, मरती विरियां जीव को कोई न राखनहार। अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक होती है तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। ऐसे ऐसे लोग भी हो गए जो कहते थे कि मित्र के लिए जान भी दे दूंगा। उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसने अग्नि लगा दी, वह भस्म हो गया, वो जिंदा खड़ा हुआ है, वो जिंदा का जिंदा है, क्या हो गया? वो तो कहता था ना कि उसके लिए मैं जान दे दूंगा। नहीं दे सकता, क्योंकि उसे जाना ही है, उसके लिए कोई शरण नहीं है, तुम्हारे लिए कोई शरण नहीं है, तुम्हें भी मरना है। सबसे ज़्यादा भय अगर व्यक्ति को किसी चीज़ का है तो वह मृत्यु का है। सबसे ज़्यादा भय अगर किसी व्यक्ति को है तो अगर उसको डॉक्टर बता दे कि आपको 15 दिन बाद जाना है, तो उसे मरने जैसा हो जाएगा। उसे हमेशा खाते पीते यही चिंतन रहेगा कि मैं मरने वाला हूँ। तत्व सार में आचार्य देवसेन ने कहा है कि दो ही तत्व शरण है, एक तो हमारी स्वयं की आत्मा और दूसरा पंच परमेष्टि की शरण। पंच परमेष्टि की शरण भी स्थाई शरण नहीं है, यह ध्यान रखना। वह भी स्थाई नहीं है, वह तो मात्र आलंबन की शरण है। उसका आलंबन लेकर हम चेतना की शरण में जाते हैं, वह शुद्ध आत्मा जो शरीर के अंदर है, जो परम पता बनाने की शक्ति रखती है, जिसके अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि आज चाहे तो आज हम अपनी अंतरात्मा को प्रकट कर लें, वह शुद्ध आत्मा हमारी शरण है। इसके शेष भाव को हम कल सुनेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिं त्वं वंदे मानस ममास्तु देवीं त्वं वंदे मानस ममास्तु देवीं। सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र।